तो बॉस, जिस मूवी का इंतजार हम लोग इतने दिनों से कर रहे थे वो फाइनली आ गया है। ऋतिक रोशन का मास मसाला एक्शन वाला मोस्ट अवेटेड मूवी आ गया है और कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर भी आया था और अब इसका मूवी आ गया है। तो सब कुछ बताने वाला हूँ आपको इस मूवी के बारे में, मगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बॉलीवुड में फाइटर एक ऐसा मूवी होने वाला है जिसमें आपको पहली बार एरियल एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा एक्शन वाला एक और मूवी आई थी तेजस, जिसमें ऐसा एक्शन मिला था और फाइटर प्लेन भी देखने को मिला था, मगर वो मूवी फ्लॉप हो गई थी। बॉलीवुड में हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी आते ही रहती है, मगर सारा मूवी लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इसी को देखते हुए सिद्धार्थ आनंद ने 26 जनवरी के अवसर पर 25 जनवरी को ही फाइटर मूवी रिलीज कर दिया है और इस मूवी के बारे में जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा लोगों के द्वारा भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फाइटर मूवी में स्टार्टिंग एयरफोर्स से होती है, जिसमें आपको ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर ऑफिसर के रोल में दिखने वाले हैं और ये सारे ऑफिसर मिलके एक ऐसी टीम को बनाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में डटकर मुकाबला कर सके। और इस मूवी में आपको हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और लखनऊ की कहानी को भी दिखाया गया है। इस मूवी में आपको बीच बीच में इमोशनल मोमेंट को भी दिखाया जाता है जो एयरफोर्स की लाइफ और उन पर होने वाली दिक्कतों के बारे में होने वाला है। कहानी कुछ ऐसे एयरफोर्स की है जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और उन्हें एक ऐसा मिशन दिया जाता है जो उसे पूरा करना होता है। और जिस तरह पुलवामा अटैक होता है उसी तरह इसमें भी एक अटैक को दिखाया जाता है और इस अटैक का एंगल पाकिस्तान को बताया जाता है पेट्रोटिज्म के नाम पर। और उसके बाद कहानी सीरियस मोड में चला जाता है और ये अटैक एक मिशन बन जाता है और टेररिस्ट का कहना है कि अब टेरर नहीं जंग होगा। एक बात तो आपको कहना चाहता हूँ कि मूवी बहुत ही अच्छा है, मगर जब भी कोई सीरियस मोड आता है तो उसके बीच बीच में गाने को भी लाया जाता है जो शायद सीन के फोकस को बदल सकता है। और उसके बाद फिर एक लड़ाई शुरू होती है ऋतिक रोशन और टेररिस्ट के साथ। इस मूवी को अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं दिखाई देने वाली है और जिस तरह फाइटर एक्शन और VFX को इन्होंने मेंटेन किया है वो भी लाजवाब है। और बीच बीच में आपको हवा में उड़ते हुए फाइटर प्लेन भी दिखाई देने वाला है जो आपको एक अलग मूड में बदलने वाला है। और ऋतिक रोशन को साथ देने के लिए दीपिका और अनिल कपूर भी हैं जो इस मिशन में शामिल हो जाते हैं। बात अगर इस मूवी की करें तो ये मूवी हर तरह से अच्छा होने वाला है, मगर कुछ सीन है जो गलत टाइम पर दिखाया गया है वो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, मगर ओवरऑल मूवी अच्छा होने वाला है और आपको इस मूवी को देखना भी चाहिए। इस वीडियो को आपने देखा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।